अगर आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है और आप इससे बहुत परेशान है, कीड़ा लगने की वजह से आपके दांत में दर्द होता है और धीरे धीरे जो कीड़ा है वो दांत को खोखला करता जा रहा है, इतना खोखला कर चुका है कि जो नसें हैं नसों तक में इसका जो दर्द है वो पहुंच चुका है और पस पड़ने लग गई है, जिसके कारण से कि बहुत ही दर्द है, असहनीय दर्द है, आपसे दर्द सहन नहीं हो रहा और ये जो दर्द है दांत का दर्द धीरे धीरे पूरे जो जबड़ा होता है उसमें फैल जाता है। बच्चे बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं इस दर्द से, समझ में नहीं आता घर में कि हम क्या करें, कि बच्चों की परेशानी कैसे दूर करें। और ये जो दर्द है ना, दांत का दर्द इतना भयानक होता है ना, इतना इसका मतलब सहा नहीं जाता, इतना दर्द होता है ये, और धीरे धीरे ये ना कनपट्टी की तरफ फैलने लग जाता है और धीरे धीरे आपके सर में भी दर्द होने लग जाएगा। अगर दांत का दर्द सच में इतना भयानक होता है ना, जिसके भी हुआ है ना वो जानता होगा कि कितना दुखी करता है, रात को आप सो नहीं पाते, अगर आपको रात को शुरू हो जाए तो नींद नहीं आएगी आपको। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखिए मैंने ली है फिटकरी, ये फिटकरी आप देख रहे हैं इस तरह से मार्केट में जो मिलती है, ये फिटकरी आपने नहीं लेनी है, फिटकरी आपने इस तरह से लेनी है जैसे आप कटोरी में देख रहे हैं, तो इस तरह जो फिटकरी होगी यही ओरिजिनल फिटकरी है, इसी को आपने लेना है। और ये ऐसे साबुन की चिक्की की तरह बनी हुई मिलती है, ये फिटकरी आपने नहीं लेनी है। तो फिटकरी ओरिजिनल होनी चाहिए तभी आपको ये जो उपाय है ये फायदा करेगा। तो फिटकरी जब भी आप लेने जाए तो ध्यान से लीजिएगा। तो फिटकरी को सबसे पहले हम कूट लेंगे, इसका बिल्कुल बारीक हमने महीन चूर्ण बनाना है, जितना बारीक आप पीस सकते हैं उतना बारीक आप पीस लेना। तो देखिए कूट कर मैंने इसका बारीक पाउडर बना लिया है। तो अब इस पाउडर को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, तो देखिए इस कटोरी में मैं निकाल लेती हूँ इस पाउडर को। हाँ, इस पाउडर को आप बनाकर हमेशा अपने घर में रखिए, दांत का दर्द कभी भी किसी को भी हो सकता है, तो बहुत ही कारगर है ये जो फिटकरी का जो पाउडर मैं बता रही हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जिसको भी ज़रूरत हो तो वो उसको इस्तेमाल कर सके। तो ये देखिए फिटकरी का पाउडर हमने बना के रख लिया, इसको तो हमेशा ही सभी को अपने घर में फिटकरी का पाउडर बना के रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े सभी को दर्द कब उठ जाए कुछ पता नहीं होता। अब एक गिलास में हम लेंगे पानी, तो 250-250 ml के आसपास आप पानी ले लेना, और इस पानी में हम डालेंगे 1/4 teaspoon फिटकरी का पाउडर, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, लेवल करके लेना, 1/4 ही लेना है आपने, और 1/4 लेना है आपने सेंधा नमक। सेंधा नमक जो होता है ना व्रत वाला नमक, जिसे लाहौरी नमक भी कहते हैं, पाकिस्तानी नमक भी कहते हैं उसे, तो 1/4 teaspoon आपने लेना है व्रत वाला नमक, लाहौरी नमक, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो अब ये जो हमने पानी में मिलाया है जो दोनों चीज़ें हैं, इस पानी से आपने क्या करना है, इस पानी से आपने करना है कुल्ला। दूसरा उपाय भी है, उसको भी देखना वो कैसे करना है। तो इससे आपने कुल्ला करना है, थोड़ा सा पानी मुंह में लेना, फिर उससे कुल्ला करना, फिर उसको थूक देना, फिर कुल्ला करना, फिर थूक देना, तो पूरा गिलास आपने ऐसे ही खाली करना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा इसको पानी को आपने पीना नहीं है, ये गले के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस कुल्ला करना है फेंक देना है, कुल्ला करना है फेंक देना है, तो पूरा गिलास आपने ऐसे ही इसको खाली करना है। तो अब हम बताते हैं इसका दूसरा उपाय, बच्चों को बड़ों को किसी को भी अचानक से दांत में दर्द उठ जाता है, तो 1/4 teaspoon से थोड़ा सा कम लिया है मैंने फिटकरी का पाउडर, ले लेना, और इसमें हमने डालना है सरसों का तेल। सरसों का तेल देखिए कोशिश करना कि मिलावटी ना हो, ओरिजिनल सरसों का तेल हो तो ज़्यादा अच्छा है, कच्ची घानी का तेल होना चाहिए। अब सरसों का तेल हमने मिला दिया फिटकरी के पाउडर में, अब लेनी है आपने छोटा सा रुई का टुकड़ा। अब इस रुई के टुकड़ों को आपने सरसों के तेल और फिटकरी वाले चूर्ण में अच्छी तरह से डुबो देना है, और फिर रखना है दांत के बीच में, जहाँ भी दर्द है या जिस दांत में भी कीड़ा है ना उसके बीच में आपने रखना है। हाँ, लार आपके बनेगी, लार को आपने थूकते जाना है, और कम से कम 10 मिनट आप इसको दांत के नीचे रखिए, धीरे धीरे जो दर्द है आपका गायब होने लगेगा, और दांत में अगर आपके कीड़ा है तो इससे कीड़ा भी मर जाता है।
तो बस दो चीज़ें ध्यान रखना कि जब आप पानी से कुल्ला करेंगे तो पानी को अंदर नहीं लेना है, यानी पीना नहीं है, गले में नहीं जाना चाहिए, और जब दांत का दर्द हो तो दोनों दांत के बीच में ऐसे दबा के रख लेना, दांत में जिसमें दर्द है फिर ऊपर से इस तरह से आपने दबा लेना है। दबा के आप कम से कम 10 मिनट के लिए आप बैठ जाना और लार बनेगी उसको आपने थूकते जाना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब भी आपके दांत में दर्द हो तो इस उपाय को कीजिएगा और बताइएगा आपको इससे कितना फायदा हुआ।